प्रबोधन और प्रशिक्षण से जो संस्कार हासिल होते हैं, उन संस्कारों को केवल संगीत और शब्द केवल हमारे कानों को आनंद नहीं देते। एक नई बात है कि अब जब गीत अच्छा सुनते हो, गीत में वो जो शब्द होते हैं, जो भाव होता है, जो स्पिरिट होता है, संगीत और उसकी धुन तो महत्वपूर्ण है ही, फिर उसके बाद वो बहुत अच्छी लगती है जब उसको आप समझेंगे। कि छोटी छोटी बातों में, शैलेंद्र जी करके कवि थे, तो मुकेश जी ने राज कपूर के लिए उनके बहुत गाने गाए, तो बड़े हर उनके इसमें एक संदेश था गाने में, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां पैदल ही जाना है। ये वाक्य बहुत सिंपल है, शब्द बहुत सामान्य है, पर इसका भावार्थ यह है कि आखिर तो एक दिन जाना ही है, तुमको क्यों मरमर कर रहे हो, पैसा कमा के क्या करोगे, तुम्हारी कोई मर्सिडीज गाड़ी आखिर में तुम्हारी जान थोड़ी बचाएगी, न तुम्हारा बंगला बचाएगा, जीवन मिला है अच्छी तरह से जियो। तो ये जो भावार्थ है ये रामायण में है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आज तो प्रभु रामचंद्र का जन्म स्थान पर मंदिर भी बन गया, और ये अनेक भाषा में जब रामायण आएगा, जैसे भगवद गीता में जो किताब इन्होंने तैयार की है डिजिटल, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अनेक समय पर क्या कहा, क्योंकि मैंने वो सुनी है, और गीता का भावार्थ जब सुनते हैं तो उससे काफी कुछ जानकारी, अपने लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। मैं कोविड के समय 2 साल रोज सुबह उठकर आधा घंटा पैदल चलता था, थोड़ी मेरी आदत, अभी अचानक मैं प्राणायाम भी करता हूँ तो वो मेरा रह गया, तो मैं यूट्यूब पर भगवद गीता का भावार्थ सुनता था। वो भावार्थ केवल अच्छा सुनने के लिए नहीं लगता था, उसके पीछे एक विचार था, पर्स एंड पर्सन, यानी पैसा और व्यक्ति, उसमें पर्सन महत्वपूर्ण है, पर्सन एंड पार्टी मींस ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पार्टी इंपॉर्टेंट है, एंड पार्टी एंड फिलॉसॉफी तत्व ज्ञान, इसमें फिलॉसॉफी महत्वपूर्ण है, और फिलॉसॉफी का जो संबंध है, देर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट, लेटर जो है वो मनोरंजन का कार्यक्रम है, स्पिरिट जो है उसका भावार्थ है। तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि हमारी समाज व्यवस्था को, समाज को और समाज का जो इम्पॉर्टेंट घटक है व्यक्ति को, बदलने वाली जो रामायण की ताकत है, भगवद गीता की ताकत है, उसको डिजिटल टेक्नोलॉजी से आम लोगों में, और ये क्या होता है कि एक किताब बड़ा है उसके हस्ताक्षर ठीक नहीं होगी तो पढ़ते नहीं लोग, उसको प्रेजेंटेशन कैसे होता है, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रेजेंटेशन विद डिजिटल टेक्नोलॉजी ये और आनंदक है। शंख पर हाथ रखो तो शंख का आवाज आता है, मृदंग पर वो रखो पेन तो मृदंग का आवाज आता है, भजन आपको कोई वही से कोई टेप रिकॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं, कोई मोबाइल फोन पर सुनने की जरूरत, किताब में ही है वो, और कमेंट्री भी है, और सभी भाषाओं में है, अभी 5-7 भाषा में, अभी धीरे धीरे सभी भाषाओं में जाएगा। तो अपनी भाषा में ही इसका भावार्थ समझने के कारण एक अवसर मिलेगा समाज को, और जब भावार्थ आएगा तो उसका संस्कार व्यक्ति के स्वभाव को, व्यक्तित्व को, उसकी विजन को बदलेगा, और उसमें समाज में गुणात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि रामायण महाभारत में वह ताकत है। हमारे महाराष्ट्र में काका कालिलकर करके एक बहुत विद्वान थे, उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य हमारे बचपन में हमारे पाठ में आया था, उन्होंने कहा था कि जो पूरे विश्व में है वो पूरा महाभारत और रामायण में है, और जो विश्व में नहीं है वो भी रामायण महाभारत में है। तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए ये दोनों ग्रंथ, भगवद गीता और रामायण, ये हमारे जीवन के पथदर्शक हैं। और मैं अक्सर एक बात मानता हूं कि टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहां लाउडस्पीकर नहीं होता और मैं बोलते रहता तो शायद आप मेरा भाषण नहीं सुन पाते, आज लाउडस्पीकर है इसलिए सुन रहे हैं, फिर कान को लगाएंगे तो आपका ग्रहण करने की शक्ति और बढ़ेगी, तो आपको ठीक से समझ में आएगा, आप विचार करोगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये बदल रही है, और टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक भी है, पर टेक्नोलॉजी के कारण नॉलेज को
जैसे लोगों तक लेके जाएंगे तो नॉलेज का कन्वर्शन वेल्थ में होगा, वो एक मर्यादा है, पर उसके साथ साथ व्यक्ति निर्माण, समाज निर्माण, संस्कार, इसके आधार पर जो परिणाम होगा, जो शाश्वत मूल्य रामायण में थे, वो मूल्य जब घर घर जाएंगे और जब हमारे बच्चे देखेंगे कि जब दशरथ राजा ने निर्णय किया तो पिताजी की आज्ञा मानकर प्रभु रामचंद्र ने कहा नहीं, मैं वनवास जाऊंगा। आज के जमाने में अगर ऐसी स्थिति होती कि पिताजी कहता कि मैं घर दूसरे को दे रहा हूं, तो तुरंत दूसरा भाई वो पिताजी की गच्ची पकड़ लेता या दूसरे भाई को पीटता, क्योंकि संस्कार नहीं है, माता पिता और गुरु के प्रति वो भाव नहीं है। और भाव विचारों से आता है, विचार किताबों में है, और किताबों से आए हुए विचारों से जो भाव से व्यक्ति के ऊपर संस्कार होता है उसमें समाज में गुणात्मक परिवर्तन होता है। और ये परिवर्तन होते जाते हुए एक बार हमारा समाज पूरी तरह एक ऐसी सोसाइटी बने जो विश्वगुरु बने, यही हमारा भाव है। आज हमारा आयुर्वेद, योग विज्ञान विश्व के आकर्षण का केंद्र है। आज हमारे यहाँ इंडोनेशिया में, अफगानिस्तान में कनिक्स करके एयरपोर्ट एक बिल्डिंग का नाम है, इंडोनेशिया में जकार्ता में जाइए, सब रामायण महाभारत वहां है। आप बाली में जाइए, आज भी रामायण खेलते। मैं इंडोनेशिया में गया था, वहां का एक बहुत बड़ा एक्सप्रेस हाईवे था, तो देखने के लिए पहली बार मंत्री बना तो मैं उधर गया था। तो वहां जो इंजीनियर था वो मुस्लिम था, चीफ इंजीनियर, तो वो मुझे बता रहे थे कि हमारे घर में ये पद्धति आई है कि हम रामायण पढ़ते हैं। तो मैंने कहा आप तो मुस्लिम हैं, रामायण क्यों पढ़ते हो? बोले रामायण हमारी विरासत है, रामायण हमारा इतिहास है, और रामायण ने हमको संस्कार दिए। आज भी इंडोनेशिया में, मलेशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में ये पहुंचा है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि रामायण के श्रेष्ठत्व के बारे में कोई प्रश्न नहीं है, उसके यथार्थता के बारे में कोई सवाल नहीं है, पर उसको उचित प्रकार से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आम आदमी उसको हृदय में ग्रहण कर सके, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ये जो प्रयास है यह सबसे अभिनंदनीय है। तो टेक्नोलॉजी के कारण आदमी को लगता है सुनना चाहिए, अगर कोई क्लिष्ट भाषा में भाषण देता है तो लोग बोलते हैं अच्छा भाषण हो, फिर समझ में नहीं आया। किताब कितना भी अच्छा हो, कुछ विद्वान भाषण सुनते हैं बोले बहुत विद्वान है, बोलना क्यों? बोले इनके भाषण में कुछ समझ में नहीं आया। तो जो सिंप्लिसिटी है, जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत आसान है, और उनकी मातृभाषा में। एक बात जरूर है कि मैं इनको ये प्रार्थना करूंगा कि मैंने बहुत नागपुर में कम से कम 1,500 सीनियर सिटीजन और ऐसे लोगों की भजन मंडलियां थी, उनको मैंने तबला पेटी दी, और तबला पेटी इसलिए दी कि वो लोग भजन गाए और एक अच्छे रात को लोग बार में जाए, इधर जाए, इसके बजाय भजन का उनको नाद लगे। तो मैंने एक बजेरिया में एक मंदिर है, दयाशंकर तिवारी जी ने बना था, मैं वहां गया था, तो उनने कहा कि मंदिर का उद्घाटन करना है, मतलब उद्घाटन के लिए मैं नहीं आता, मैं दर्शन करने आता हूँ। तो बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो मंदिर हनुमान मंदिर था, तो मैंने आपकी हनुमान चालीसा जो खरीदी थी, ऐसे 10-20 मेरे पास किताबें थी, तो मैंने उस मंडल को दी। तो मंडल को देने के बाद अभी वो जो हनुमान चालीसा है उसका फायदा ही हुआ कि रोज शाम को महिला और पुरुष वो एक एक उसका जो श्लोक है वो सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो गीत होते हैं वो सुनते हैं, तो उनके कानों तक, उनके मनों तक, और उनका भाव, उनके व्यक्तित्व को बदलने तक उसका उपयोग हुआ।